हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 5 को जो न्यू अपडेट मिला है 10.2.1.0 का, उसके अंदर आपको क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, सारा कुछ फुल रिव्यू देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन आप रेडमी नोट 5 डिवाइस यूज़ करते हो तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि रेडमी नोट 5 से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग में, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद हम चलते हैं अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फोन में आप जाने के बाद देख सकते हैं रेडमी नोट 5 एंड्रॉयड ओरियो पे ही देखने को मिलता है, और इसका 10.2.1.0 अपग्रेड कर दिया गया है। और साथ ही साथ पहला चीज आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, देखेंगे तो यहाँ पे मार्च पे देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी पैच आपको लेटेस्ट देखने को मिला है। मेरे को लगा कि 3-4 महीने होगा तो पुराना सिक्योरिटी पैच दे देंगे, पर इन्होंने मार्च का ही सिक्योरिटी पैच दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, क्योंकि आपका इससे मोबाइल आपका सिक्योर होता जाता है। अगले चेंज की बात करें तो अगला चेंज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप जैसे ही बटन पे देखेंगे यहाँ पे 3 बटन पे, तो ये बटन हो चुके हैं गूगल की तरह, पहले ऐसा नहीं था, जो कि आप देख सकते हैं इसके बटन जो नीचे वाले थे वो काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको मिलता है टास्क मैनेजर में। जैसे ही अपने टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे शॉर्टकट्स का ऑप्शन। 4 शॉर्टकट हैं, जैसे देखते हैं क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड एप्स एंड मैनेज एप्स, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिलता है अपने मोबाइल के सीधा ही टॉप बार पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसके जो कि इसके एंड्रॉयड परसेंटेज का साइन है, वो पहले बैटरी के बाहर था, अब अंदर हो चुका है। और इसके जो ये परसेंटेज दिखा रहे हैं ये अपने आप रंग चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार, कभी लाल होएगा कभी पीला होएगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने होम स्क्रीन पे ही। होम स्क्रीन पे जैसे ही अपने स्क्रीन को ऑन करते हैं, स्क्रीन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने के बाद टर्न ऑन का ऑप्शन मिल जाता है। टर्न ऑन इसे सिंपली कर दीजिए। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे जो वाल पेपर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वाल पेपर चेंज करने के बाद यहाँ से आपको ऑटोमेटिक सेट करना है, तो यहाँ पर 3 डॉट पर जाके यहाँ पर वाल पेपर को सेट करके अपने हिसाब से ये ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज होते रहेंगे समय के अनुसार। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है ये आपके लिए। जैसे ही उसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा टर्न ऑन वॉलपेपर कैजुअल का ऑप्शन, तो यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अपने गैलरी के वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी इस अपडेट के अंदर, कि आपको यहाँ पे गैलरी फोटो, कस्टम फोटो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, जैसे कि ओप्पो और वीवो फ़ोन में देखने को मिलता था पहले आपको। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको मिलता है सिक्योरिटी ऐप के अंदर। जैसे ही अपने मोबाइल की सिक्योरिटी ऐप के अंदर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक बूस्ट स्पीड का। जैसे आप बूस्ट स्पीड पे क्लिक करते हैं, जो कि इसका एनिमेशन है बिल्कुल चेंज कर दिया गया, जो कि देखने में आपको काफ़ी औसम लगेगा और काफ़ी बढ़िया लगेगा अब इस अपडेट के अंदर आपको। नेक्स्ट चेंज भी यहीं पे मिलता है आपको, यहाँ पे फेसबुक क्लीनर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया और फास्ट ऐड का ऑप्शन ऐड कर दिया गया। फिलहाल कईयों ने डायरेक्ट अपडेट कर लिया था अपडेट आने से पहले, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ें ऑप्शन पहले से ही देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इससे आपका मोबाइल काफ़ी अच्छा रहेगा फर्स्ट ऐड के हिसाब से। और नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज आपको मैं दिखाता हूँ, वो पहले मैं बताना भूल गया था लेकिन अब आपको बता देता हूँ। ये आप जैसे शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 4 शॉर्टकट देख रहे हैं, आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑफ कर सकते हैं 4 शॉर्टकट्स को। सिंपली आपके अपने मोबाइल के अंदर जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा शो सजेशन का ऑप्शन, तो सिंपली आप इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो 4 शॉर्टकट्स होंगे वो ऑफ हो जाएंगे, जो कि आपको अगर दिक्कत दे रही है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसे ऑन कर देता हूं। और अगले चेंज की बात करें तो मैं बताता हूँ, बग फिक्स किए गए हैं, काफ़ी बग फिक्स किए गए हैं इसके अंदर, जो कि लैगिंग वाली प्रॉब्लम हो रही थी पबजी के अंदर। कभी 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 देर क्रैश हो जाता था, पबजी अपने आप ही ऑटोमेटिकली हट जाता था, तो वो फिक्स कर दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है, बैटरी की प्रॉब्लम थी वो भी थोड़ी बहुत सही हो गई है, पहले से थोड़ी ज़्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगी इस अपडेट में। वैसे आपका क्या राय है इस अपडेट के बारे में, कैसा अपडेट आपको लगा कि बैटरी प्रॉब्लम है, कोई बग हो तो मेरे को इस कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इस अपडेट के अंदर बग मिल गया है आपको। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो नेक्स्ट चेंज भी आपको मिलता है फाइल मैनेजर में। जैसे आप फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे मोर पे, मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, कई ऑप्शन ऐड कर दिया गया, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप इस पर
थ्री कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने ऐप्स को ऐड कर सकते हैं इस कॉर्नर के अंदर, जो कि आपका ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर डायरेक्टली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से लाल बटन को काला कर दीजिए। अगले चीज़ की बात करें तो अगला चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे, जो भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे कि दिखा रहा है, और यहाँ पे करने के बाद इसके अंदर जैसे कि दिखा रहा है तो ये बग फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। कई बार ये वहाँ ऊपर नोटिफिकेशन दिखाता था और जैसे ही अपने स्लाइड करते थे नोटिफिकेशन नहीं दिखाता था, वो बग फिक्स कर दिया गया इस अपडेट में। अगले चीज की बात करें तो अगला चीज़ आपको मिलता है सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको पता ही होगा डिलीट साउंड स्क्रीनशॉट साउंड यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर डिलीट साउंड या स्क्रीनशॉट साउंड इसको ऑफ करने के बाद कई बार आपको मोबाइल भी फिर भी वो साउंड दिखाता था, ऑन होने के बाद भी साउंड हो रहा था, तो वो बग फिक्स कर दिया गया इस अपडेट के आने के बाद। अगर आपको अब ये ऑफ करेंगे तो आपका साउंड भी ऑफ हो जाएगा। अगले चेंज की बात करें तो अगला चेंज आपको मिलता है म्यूजिक प्लेयर के अंदर। जैसे ही अपने म्यूजिक प्लेयर में जाएंगे, म्यूजिक प्लेयर में जाने के बाद उसका एनिमेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर एनिमेशन चेंज नहीं हुआ तो आपको म्यूजिक प्लेयर का अपडेट आ गया है, अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ये एनिमेशन दिखाने लग जाएगा। इसमें ये वीडियो का ऑप्शन, प्लेलिस्ट और रेडियो तीनों ऑप्शन ऐड कर दिए गए, जो कि देखने में आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और यूज़ करने में आपको म्यूजिक प्लेयर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस इस अपडेट के अंदर Redmi Note 5 के अंदर यही कुछ फीचर थे। अगर आपको कुछ लगता है और भी फीचर ऐड किया है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और बग हो तो जरूर बताना। बस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।